हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टू द ऐप। जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं उनके लिए वेलकम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 8th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो आपका यूनिट 4 है उसका ये चैप्टर है, और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी। एंड देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से, I'm sorry for not keeping my promise. I had promised that I'll be completing the syllabus of biology and chemistry in the month of October itself, but we had a tragedy in our family due to which I couldn't do it. So now I'm going to do it. I'll try to complete it soon, as soon as possible. Okay, so please bear with us. And one thing children, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। बट वन मोर थिंग, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर, अभी जो सिनेरियो चल रहा है इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, नोबडी नोज व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इश्यूज हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि यू शुड टेक केयर, लिसन टू योर पेरेंट्स एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर। समय द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप प्लस 16+, दीज आर वेरी मच अफेक्टेड, दीज चिल्ड्रन, दिस एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द करेंट सिनेरियो, सो प्लीज़ टेक केयर। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सिलेबस आपका जो पूरा चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है, मैं ट्राई करूँगी इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके समझा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, लिविंग बींग्स की, लिविंग एंटिटी की बात करते हैं, तो हम उसमें प्लांट्स और एनिमल्स और उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं अर्थ पे जिसमें कि लाइफ है, जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं, उन सबको हम इसमें कवर करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सारे एंटिटीज़ आती हैं। अब यहाँ पे है कि वो क्लासिफाई क्यों करना है, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें, उनसे बेनिफिट ले सकें, उनका अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें, या फिर सिंपली हम समझ सकें कि वॉट एवर इज़ अराउंड अस वो क्या है, क्यों है, कैसा है। सिर्फ उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमें किसी स्कूल है आपका, तो स्कूल में हमें किसी स्टूडेंट्स को मैसेजेस पहुंचाने हैं, तो हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं ना, स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में क्लासिफाइड होते हैं के हिसाब से, आपके मेंटल आईक्यू के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से, उस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को। वो तो डाइवर्सिटी क्या है और कैसे क्लासिफाई किया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किन किन लोगों ने अप्लाई किया क्लासिफिकेशन के लिए, आज की डेट में हम कौन सी क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ आपके चैप्टर में जो दे रखा है कि दैट देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी बहुत है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया टू लार्ज साइज प्लांट्स लाइक मैंगोज, पाइन ट्रीज, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स। तो इनका जो साइज है, स्ट्रक्चर है, बहुत वेरी करता है, और साइज और स्ट्रक्चर के साथ इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सिंपल हो सकते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जो बहुत बड़े हैं उनके बॉडी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिटी कॉज करती है, डाइवर्सिटी को क्रिएट करती है, दिस इज व्हाट इज नोन एज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एक चीज़ यह है कि जो हमने अब इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया है, ग्रुपिज्म किया है, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उस तरीके से किया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेस कॉम्प्लेक्स एंड मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। लेस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करके मतलब सबसे सिंपल बेसिक ऑर्गेनिज्म को हमने सबसे नीचे वाली या फर्स्ट कैटेगरी में रखा है, एंड देन वी मूव कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हायर कैटेगरी के एनिमल्स जो हैं दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम
टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सब क्या होते हैं। तो इसमें जो आपके, अच्छा इसके बीच में ही जो दे रखा है ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनके बीच में भी बहुत सारी और टर्म्स होती हैं, लेकिन वो हम अभी आपके लेवल पे उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ये डाइवर्सिटी है, जो हायरार्की है डाइवर्सिटी की, उसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो हम स्पीशीज लेके चल रहे हैं। तो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि स्पीशीज मींस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग्स। मतलब स्पीशीज हमारे लिए, स्पीशीज जो है कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का मेंबर है। तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कंडीशन क्या है? जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सिमिलर है, में देखने में एक से लगते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि स्पीशीज जो है अगर वो इंटरब्रीड करें, मतलब उनमें अगर आपस में रिप्रोडक्टिव रिलेशन होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो फर्टाइल होनी चाहिए। स्पीशीज वो एनिमल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, या वो प्लांट्स हैं स्पीशीज में, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे, उनके आपस में इंट्रैक्शन से रिप्रोडक्शन होगा, तो जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया जो नई लाइफ क्रिएट होगी, वो फर्टाइल होनी चाहिए। मतलब वो आगे चल के उसमें भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी चाहिए, वो स्टेराइल नहीं होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग जैसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा, वो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, होता है। अभी आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये म्यूल का एग्जाम्पल दे रखा है, जो है ये इट इज़ अ स्पीशीज, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जो दो डिफरेंट स्पीशीज के रिप्रोडक्शन के थ्रू या दो डिफरेंट स्पीशीज के इंटरेक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल होते हैं, तो वो आगे उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्पीशीज का कंडीशन क्या है कि स्पीशीज में वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें कि अगर आपस में रिप्रोडक्टिव रिलेशंस होंगे, अगर वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, कि जो प्रोजेनी बनेगी हमेशा फर्टाइल हो, अनलेस कोई डिजीज हो, यूजुअली 99% इट विल बी फर्टाइल। और अगर डिफरेंट स्पीशीज होंगी, इंटरब्रीडिंग होगी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, तो जो प्रोजेनी बने हमेशा हमेशा ऑलवेज इट इज स्टेराइल, ये कंडीशन है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट कि अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीड, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर इंटरब्रीड है, तो जो प्रोजेनी बनती है स्टेराइल ही होती है। स्टेराइल का मतलब इट इज नॉट एबल टू, आगे उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देमसेल्व्स। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में नॉर्मल ब्रीडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल इन रिप्रोडक्टिव रिलेशंस हो सकते हैं उनमें। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखे हैं कि जैसे दुनिया भर की जितनी भी हाउस कैट्स हैं उनकी एक ही स्पीशीज है, सो दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, लेकिन उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, कलर डिफरेंट हो सकता है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, उनकी जो टेल की लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, टेल की जो क्वालिटी है, कोई ज़्यादा फरी होगी, ये सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बट दे बिलोंग सेम स्पीशीज, देयरफॉर दे कैन इंटरब्रीड, उनमें आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है, ब्रीडिंग हो सकती है। तो हम कहते हैं कि हाउस कैट की स्पीशीज एक ही है, फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस हमारे हाउस कैट की स्पीशीज हो गई। अब इस तरीके से और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, अफ्रीका की रेस अलग है, इंडियन रेस अलग है, यूरोपियन रेस अलग है, मंगोलियन रेस, जो चाइनीज हैं, जो वियतनामीज हैं, वो अलग हैं, सब लोग अलग अलग दिखते हैं, बट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारी स्पीशीज सेम है, तो हमारे बीच में रिप्रोडक्टिव रिलेशंस हो सकते हैं। एन अमेरिकन कैन इंटरब्रीड विद चाइनीज, अ चाइनीज कैन इंटरब्रीड एन अफ्रीकन कैन अमेरिकन, मतलब वीक यूरोपियन, वट एवर, मतलब डिफरेंट, चाहे हमारी कंट्रीज डिफरेंट हों, रेसेस डिफरेंट हों, येट दे कैन बी मैरिज बिटवीन हेम एंड दे कैन प्रोड्यूस नॉर्मल चिल्ड्रेन।
Therefore, because we all of them, all of us belong to the same species, Homo sapiens हैं हम सारे, ठीक है? We are all Homo sapiens. तो ऐसे ही जो different species हैं, वो आपस में interbreed कर सकती हैं. एक ही species interbreed करेगी, तब progeny fertile होगी. Different species में interbreeding होगी, तो progeny जो produce होगी, वो sterile होगी, definitely fertile. ये आप ध्यान रखिएगा दिमाग. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हॉर्स एंड डोंकी जो इंटरब्रीड है वो बहुत कॉमन है, इसको किया जाता है. इनको इंटरब्रीड कर मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड किया जाता है और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है म्यूल, म्यूल मिलता है, ठीक है? म्यूल जो है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन, इट इज़ वेरी यूजफुल इन हिली रीजन्स. वो उसकी जो फुट होल्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. इट इज़ मच बेटर देन डोंकी हॉर्स, इसीलिए इंटरब्रीडिंग होती है और इस म्यूल को हम हिली रीजन्स में यूज करते हैं. इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ, ठीक है? और इट इज स्टेराइल, क्योंकि ये दो स्पीशीज का इंटरब्रीडिंग है, दो स्पीशीज के इंटरब्रीडिंग से बना है, तो देयरफॉर इट इज स्टेराइल. अगर ये ध्यान रखिएगा कि मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, तो हमें म्यूल मिला. अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी ले लें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोजेनी मिलेगी, दैट इज नोन एज हिनी, HINNY. इट इज ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ ब्रीडिंग, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो स्टेराइल, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, स्टेराइल होते हैं जो इंटर स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है प्रोजेनी, स्टेराइल होती है, ठीक है? आपकी बुक में और भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आप लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा. जैसे कि जीब्रा विद डोंकी प्रोड्यूसेस जेंकी, मतलब जीब्रा इज द मेल, डोंकी इज द फीमेल, देन द रिजल्ट इज जेंकी, ठीक है? ये दे रखा है. अगर मेल टाइगर है और फीमेल लायन है तो टाइगोन बनता है. मेल टाइगर फीमेल लायन की ब्रीडिंग होती है, इंटरब्रीडिंग होती है, देन वी गेट अ न्यू स्पीशीज विच इज नोन एज टाइगोन, इट इज स्टेराइल. अगर यहाँ पे अब हम ऑपोजिट कर दें, अगर मेल लायन होगा, लायन मेल है और फीमेल टाइगर है, तो जो प्रोजेनी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइगर. ये भी बहुत फेरोशियस होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत फेरोशियस होता है, इसको हम बोलते हैं लाइगर, और ये भी स्टेराइल होता है. देन यू हैव गॉट जीप, जीप इज द प्रोडक्ट ऑफ गोट एंड शीप. अब ये एनिमल्स की बात हो गई, यहाँ पे अब ये वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं. पोमेटो, पोमेटो को नाम से आपको समझ आएगा, पोटेटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन है. इट प्रोड्यूसेस, ये एक ही प्लांट है, पोमेटो इज अ प्लांट जिसमें अंडरग्राउंड में पोटेटोज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब रूट्स में पोटेटोज प्रोड्यूस होते हैं और ऊपर उसके अबव ग्राउंड टोमेटोज प्रोड्यूस होते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और इसमें कोई सीड्स नहीं होते बिकॉज इट इज स्टेराइल. सो सच क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग कैन अकर ओनली बिटवीन टू वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड द ऑफ स्प्रिंग्स आर इन वेरी स्टेराइल. ऑफ स्प्रिंग्स स्टेराइल ही होते हैं, स्प्रिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कहीं से भी बेसिर पैर के रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्लोज स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन होता है. अब यहाँ पे कैटेगरीज हायर देन स्पीशीज दे रखी है. अभी हमने स्पीशीज की बात की थी जो कि हमारे सबसे लोअर कैटेगरी है हमारे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में. अब उसके ऊपर की कैटेगरीज दे रखी हैं. अब स्पीशीज के, स्पीशीज सबसे नीचे, स्पीशीज के ऊपर आता है जीनस. जैसे सिमिलर स्पीशीज जो हैं वो एक एक सिंगल जीनस में प्लेस कर दी जाती हैं. जैसे कि देखो, क्रोज का एग्जांपल दे रखा है कि एक जंगल क्रो है और एक हाउस क्रो है. उनके जो फीचर्स होते हैं, देखो फोटोग्राफ दे रखे है, हाउस क्रो और जंगल क्रो, तो इनके जो फीचर्स होते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट होते हैं. जैसे कि इनका साइज, कलर, बीक, ये सब डिफरेंट होते हैं एंड दे कैन नॉट इंटरब्रीड. अगर इन इनमें इंटरब्रीडिंग होगी तो वो जो प्रोजेनी होगी वो स्टेराइल होगी. सो दिस इज अ जीनस. जीनस क्या है? कॉर्वस. ये जो हम आपने पढ़ा है कि जो फर्स्ट नेम होता है, जो हमारी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होती है उसमें जो फर्स्ट नेम होता है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. जीनस देखो सेम है, दोनों का जीनस कॉर्वस है, स्पीशीज डिफरेंट है. ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट
कैन नॉट रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली, मतलब कि रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन जो प्रोजेनी होगी क्या होगी, फर्टाइल नहीं होगी, स्टेराइल होगी. नेक्स्ट इज फैमिली. अब सबसे नीचे था स्पीशीज, उसके ऊपर जीनस, अब हम आ गए फैमिली पे. फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म अ फैमिली. अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं. फैमिली में लायन और टाइगर एक ही फैमिली के, पैंथेरोलियो पैंथेरा टिग्रिस. डिफरेंट स्पीशीज हैं, सेम जीनस है, एक ही फैमिली है. और ऐसे ही जो कैट है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग, फेलिडे. तो ये हम ये कह रहे हैं कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्स होती जाती हैं. सबसे पहले जो चीज़ ली जाती है, सबसे पहले जो हेडिंग लेते हैं, उसके बाद हम उसको फर्दर डिवाइड करते जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. तो फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर, ऑर्डर रिलेटेड फैमिलीज से मिलके बनता है. ऑर्डर के ऊपर क्लास, सारे एक से ऑर्डर्स जो होते हैं वो मिलके एक क्लास बनाते हैं. क्लास के ऊपर होता है फाइलम. फाइलम जो है प्लांट्स और एनिमल्स का सबसे बड़ी डिवीजन होती है, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है. वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं, फाइलम टर्म यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए हम इसी इसी जो इसके कंपैट कम क्या कहूँगी कंपेरेबल कंपेरेबल जो फॉर्म है इसकी जगह फाइलम को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं. एंड अल्टीमेट जो टॉप मोस्ट है हमारा वो हो जाता है हमारा किंग. तब सबसे ऊपर हमारा किंगडम आता है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हायरार्की है आपकी क्लासिफिकेशन की, उसमें सबसे पहले आपका आ गया. अब इस किंगडम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूड. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, या तो आप इसे फाइलम कह लीजिए एनिमल्स के लिए, या आप डिवीजन कह लीजिए प्लांट्स के लिए. उसके बाद हमारा आता है सबसे ऊपर किंगडम, फिर आपका फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्या आती है आपकी क्लास, क्लास के बाद क्या आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता है ये जो आपके सिलेबस में हम उसकी बात कर जीनस, और जीनस के बाद लास्ट में हमने लिया है स्पीशीज को. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. फाइलम इज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट्स. अब हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये आपके हो गए कैटेगरीज, हो गए हायरार्की, हो गई, इसको हम हायरार्की भी कह सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. ये पूरा इसमें कि सबसे ऊपर किंगडम है, फिर फाइलम डिवीजन, फिर क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ये हायरार्की है. सब स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के. अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, क्यों किया, उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं उसकी ये देखना चाहूँगी. देखो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल ने किया था. एरिस्टोटल वॉज अ स्कॉलर, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था. उन्होंने बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उनका जो बेसिक था वो था कि उन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, कि ऑर्गेनिजम्स किस जगह पे रह रहे हैं, हैबिटेट क्या है उनका, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था. सारे ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. एरियल जो कि एरियल मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, टेरेस्ट्रियल जो कि ग्राउंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक जो कि वाटर एक्वेटिक मोड मतलब पानी में रहते हैं. एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स. इनके और भी थे लेकिन बेसिक यही था. क्लासिफिकेशन क्या है ये आपको पता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. हम क्लासिफाई करते हैं तो हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, और जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनको भी कंसिडर करते हैं. अब ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखी हैं जो शायद आपकी बुक में नहीं है. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, मतलब हम किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमल्स को, या एनिमल्स वर्ड यूज ना करें हम तो अच्छा है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो व्हाट आर दोज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो नंबर वन कैन बी
टाइप ऑफ सेल्स, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स किस तरीके के हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपको पता है प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और बेसिक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी नहीं होते, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हो गए। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हो गए, जिनमें कि जो कि जिसमें न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश होता है क्लियरली, सारे ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। मैंने आपको ये डिफरेंसेस बताए थे, लिखवाए भी हैं जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैविंग कैरियोटिक सेल्स। तो ये एक मोड हो गया क्लासिफिकेशन का। देन सेकेंड, वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अगर उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है देन दे विल बी नोन एज यूनिसेल। और आपको एग्जाम्पल्स इन सबके याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया हो गया, यूकैरियोटिक का आप कोई भी लीजिए का ले लीजिए, या ह्यूमन भी यूकैरियोटिक। नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर, आप अमीबा ले सकते हैं, यूग्रिया ले सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं, इन सबकी बॉडी में एक ही सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हूज बॉडी इज मेड के, मल्टी सेलर के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोई भी, वी आर ऑल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, सारे ट्रीज मल्टी सेलर हैं, सारे प्लांट्स मल्टी सेलर हैं। देन थर्ड क्राइटेरिया कैन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेते हैं, हाउ डू दे इनटेक न्यूट्रिशन का, उनको जो इनटेक का मोड है वो क्या है। तो इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। आपको पता है कि अपना खाना खुद कौन प्रिपेयर करते हैं, ओनली प्लांट्स कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर ओन, दैट इज ग्लूकोज। सो दोज आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब बाकी सारे जितने भी बचते हैं हेटरोट्रॉफिक हो गए वो सारे, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उनकी बॉडी बस क्लोरोफिल नहीं है, तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हो सकता है वो हो सकता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट जो होती है, जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वी रेफर टू देम एज प्लांट्स, हम उनको प्लांट्स बोलते हैं। और जो सेल वॉल जिनमें नहीं होती है, दे आर दी एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए दे विल बिलोंग टू एनिमल। ये थोड़ा सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम यूज कर सकते हैं, मतलब आपको बेसिकली ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन किस किस चीज़ का कर सकते हैं और किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। हमने अभी सबसे पहले देखा कि एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था, उसके बाद जो सिग्निफिकेंस दी गई वो लिनॉस को दी गई, लिनॉस की क्लासिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट किया। कैरोलस लिनॉस, इनका पूरा नाम कैरोलस, तो कैरोलस लिनॉस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दो ही किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटे इंक्लूडिंग ऑल दी प्लांट्स एंड किंगडम एनिमेलिया इंक्लूडिंग, सारे एनिमल्स को एक जगह डाल दिया, किंगडम एनिमेलिया बना दिया और सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटे में डाल दिया। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी। अब हर ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट में प्लांट नहीं बोल सकते, और प्लांट नहीं बोल सकते तो एनिमल बोलना पड़ेगा, एनिमल भी नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना प्लांट की कैटेगरी में आए ना एनिमल्स की कैटेगरी में आए, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई स्टडी में। तो दैट इज़ वाई वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस एज अ वेरी सक्सेसफुल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रॉब्लम्स क्या थी वो देखते हैं, कि बैक्टीरिया और फंजाए प्लांट्स हैं ये उन्होंने बोला, उन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी में रखा, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता एंड दे डू, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक लेकिन सारे नहीं होते, फंजाए में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है तो प्लांट्स की कैटेगरी में कैसे रखा गया। देन सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट और एनिमल, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको प्लांट या एनिमल नहीं बोलते, तो उसको उसके लिए अलग कैटेगरी बनानी थी। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे हैव माउथ
पास माउथ होता है, जैसे एनिमल्स के पास माउथ होता है, उसे माउथ से अपना फीड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, इंजेशन होता है उनका माउथ के थ्रू, तो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके अलावा उनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसको वो एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं। सो देयरफॉर दे हैव द कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। इसीलिए फिर हमें समझ में नहीं आया कि अब यूग्लिना का क्या किया जाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं लिनोस के, कैरलस लिनोस की क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ब्रेड मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर है। ब्रेड मोल्ड क्या होते हैं, ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है, ये सब आपने देखी होगी, सबके घरों में ब्रेड आती है। आप थोड़े दिन मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेस में, थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे हो, वहाँ उसमें फंगस लग जाती है। अब लेकिन उसमें रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव तार्स और सीड्स नहीं होते, क्लोरोफिल, फिर उसको प्लांट कैसे मान लेंगे हम फंगस को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लेनॉस की क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो द अबव थ्री ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नाउ रिकग्नाइज एज डिस्टिंक्ट किंगडम्स। अब इनको अलग किंगडम्स में रखा गया है। इसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन आई थी वो आई थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो डिफरेंट किंगडम्स में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, उसमें ये रखे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है आगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने, एंड आई थिंक इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कि मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाइए, है ना। तो और मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे मेरे साथ पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप इसको लर्न करते जाएं, समझ लें और साथ के साथ लर्न कर लें, तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसको छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे जो लगता है कि आपको सुनने से समझ में तो आ जाएगा कि क्या क्या है, लेकिन उसको लर्न करना भी, मैं आपको अभी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि दो तीन दिन चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स हर हम के हम लर्न कर लेंगे साथ के साथ, तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आगे चलते जाएंगे तो ऐसा वास्ट होता जाएगा ना आपको। सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।